गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 6:54 हो रहा है, तो मैं फ्रेश अप हो चुका हूँ। तो पहले फटाफट ड्रेसअप करते हैं, फिर हमें निकलना है दुकान के लिए। अभी ड्रेसअप हो चुका है तो अभी चलते हैं दुकान पे। तो पहले तो अपने जो सामान लेना था वो ले लिया, अच्छा भी लेते हैं। पापा तो फिलहाल सो रहे इधर, और मम्मी इधर फैन का साउंड आ रहा है, मम्मी भी इधर सो रही है। तो फिलहाल दीदी उठ चुकी है, अपन तो चलते हैं। दीदी मैं जा सकता हूँ? जा सकता हूँ? वही आपने पूछा मारे थे ना। बाय बाय दीदी। दीदी तो फिलहाल इधर साफ सफाई कर रही। तो अभी हम चलते हैं दुकान। मेरा मानस तो किधर रहा, पहले तो मास्क पहन लेते हैं। मास्क पहन चुका हूँ, मतलब गाड़ी को रिवर्स देना पड़ेगा। ये गली में यही प्रॉब्लम है कि भाई कितनी छोटी गली है, तो क्या गाड़ी को घुमा नहीं सकते, गाड़ी को 100% रिवर्स ही लेना पड़ता। मैं दुकान पहुँच चुका था, थोड़े बहुत सामान बाहर ले लिए और इधर झाड़ू मार लिया। तो अभी सारे सामान बाहर ले लेते फटाफट, फिर मिलते हैं। और मैंने मास्क निकाल दिया क्योंकि मुझे इतना सामान बाहर रखने से पूरा स्वेट आता है, तो मास्क पूरा भीग जाएगा। बल्कि फिलहाल तो मेरे आसपास में कोई है नहीं, मेरे कम से कम 10 फीट दूर में कोई भी नहीं है। देखा 10 फीट दूर में मेरे से कोई भी नहीं है इधर, इसलिए ना मैं मास्क निकाल दिया। जब कोई कस्टमर आएगा ना तब मैं मास्क वापस पहन लूँगा। बाकी अभी तो स्वेट आ रहा है इसलिए मास्क निकाल दिया था कि वो फिर भीग जाएगा, फिर वापस घर पर जाना पड़ेगा मास्क लेने के लिए। तो अभी तो फटाफट सामान बाहर निकाल लेते हैं। साफ सफाई कम्प्लीट हो चुकी है गाइस, तो अभी कुछ पूजा करनी है, फटाफट पूजा करते हैं। फिर दीदी का कॉल आया था, दीदी बोल रही मैं आ रही हूँ, बिल्कुल बोल रही थी। तो अभी दीदी आएगी थोड़ी देर में, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। भूख लग रही है, अभी टाइम हो चुका है 8:30। मैंने आएगी, अभी दीदी आएगी फिर खाएंगे। सही सब तक पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पहले पूजा करने के बाद ही हम नाश्ता करते हैं। हाँ भाई, घर पे करके आने के बाद एक अलग है, बाकी दुकान पे अगर हम नहीं खाए तो है तो पहले पूजा करने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो पहले फटाफट पूजा कर लेते हैं फिर नाश्ता करते हैं। घर पे भी ऐसा ही है, घर में पहले पूजा करने के बाद नाश्ता करते, पापा ऐसा ही करते, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो फटाफट पूजा कर लेते हैं। पूजा भी मैंने कर लिया है, देख दिख रहा होगा आपको। तो पूजा भी मैंने कर लिया है, अब इंतज़ार करते हैं दीदी का ताकि ब्रेकफास्ट आ सके। तो गाइस अभी दीदी आ चुकी है, तो मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया फटाफट, क्यों बार बार गिरा रहे थे ना, तो पहले फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अभी दीदी आ गई, तो दीदी वो रोज़ ऑन द टाइम आ जाती है, जब गिराग आ जाते हैं ना बोलते, जब गिराग आना स्टार्ट हो जाते हैं ना तब दीदी ऑन टाइम आ जाती है। ये एक अच्छा, नहीं तो गिराग के बीच में फंसना पड़ता है मेरे को, बहुत गिराग आ जाते हैं ना। अभी दोपहर के 2:40 हो चुका है, तो अभी दीदी जाएगी घर पे लंच लेने के लिए। बाकी अभी नहीं खाएंगे, हम खाएंगे 2:30 से 3:00। मेरा यही डेली यही रूटीन है, 2:30 टू 3:00 के बीच में लंच करता हूँ। तो फिलहाल तो बाहर बहुत तेज़ धूप हो रहा है, एकदम गर्मी लग रही है, इसलिए फ़ैन ऑन है। फ़ैन के लिए सॉरी साउंड आ रहा होगा आपको। और दीदी फिलहाल रेडी है घर पे जाने के लिए, दीदी कैश लेके जा रही है थोड़ा घर के लिए, क्योंकि उधर कॉन्ट्रैक्टर को देना है ना। तो अभी तो हम दुकान पे बैठे, दीदी जाएगी घर पे टिफ़िन लेने के लिए। तो देखते हैं आज क्या बना है टिफ़िन में, मम्मी ने क्या बनाया। फिलहाल हमें दुकान से जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि जो वर्कर है वो गाँव से आ रहा है। अभी दुकान पे बैठे थे, अभी दोपहर हो चुके हैं, तो देखिए कौन आया हमारे दुकान पे, छोटा सा बच्चा, ये बाजू वाले का लड़का है। हे सनम को है गोलू बा, सनम को है मुकेश, बोल मुकेश है सनम को है। अभी फटाफट फेस वॉश करता हूँ,
फिर सामान आए हैं तो उसको अंदर जमाना भी है। What it is. The matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. ये 10 बैग चाहिए है और ये 5 बैग चाहिए है, तो अभी हमें इस गली के अंदर उसको जमाना होगा, तो फटाफट चलते हैं, पहले जगह कर लेते हैं सामान को रखने के लिए। तो जो 5 बैग्स वाले हैं वो इधर आएंगे और जो 10 बैग्स वाले हैं वो इधर आएंगे। ऑरेंज कलर का इधर आएगा, ग्रीन कलर का उधर जाएगा। तो फटाफट अंदर लाते हैं, जमा देते हैं फटाफट। तो देखिए गाइस, मेरा भाई है ना, अभी सामान अंदर रख रहा है जो अभी आया था ना। सारे जो सामान बाहर पड़े थे उसको मैंने अंदर जमा के रख लिया है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:40, तो अभी टाइम हो चुका है, अभी लाइट भी डाउन हो जाएगा, यानी सनसेट होने का टाइम हो गया है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:00। तो दीदी ने क्या है, देखिए क्या लिखा है दीदी ने मेरे लिए, डाइट प्लान लिखा है दीदी ने कि भाई कल से हम दोनों को डाइट करना पड़ेगा, बोलकर बोल रही है। और दीदी ने डाइट प्लान लिखा है, क्या लिखा है मेरे को दीदी की हैंड राइटिंग जो है थोड़ा कम समझ में आती है, कि दीदी कल से हैंड राइटिंग में लिखती है। तो क्या लिखा सर है, ओके ब्रेक ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग। वाह, मेरे को समझ में नहीं आया। स्टार्ट योर डे बाय ड्रिंकिंग 50 ml ऑफ ऑरेंज जूस, ऑर्गेनिक एलोवेरा, वेरी आई कांट अंडरस्टैंड द सिस्टर्स हैंड राइटिंग बिकॉज दे विल राइट इन कर्सिव हैंड राइटिंग, सो आई कांट अंडरस्टैंड रियली। तो अभी तो हम बैठे हैं, फिलहाल थोड़ी देर में ना मंदिर में जाएंगे, गणपति बप्पा जी को नारियल चढ़ा के आएंगे फटाफट। और हाँ, देखिए मेरे हाथ कलर में हो गए, वो क्या है वुड पॉलिश जो होता है ना, उसको लेने के लिए जा रहा था, थोड़ा हाथ पे डूल गया और पैरों पे भी डूल गया। पैरों का तो कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी हाथ पे थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि मैंने जो बॉटल पकड़ा था ना वो येलो कलर की बॉटल थी, तो हाथ का कलर इसके ऊपर लग गया। तो अभी तो दीदी बैग प्लान लिख रही है, दीदी फिलहाल बाजू में गई है और एक एफर शीट लेने के लिए। हमारे बाजू में जो स्टेशनरी दुकान है ना, वो भी मारवाड़ी वालों की है। ये लाइन में हम दो ही है, मारवाड़ी है और एक आगे और एक स्टेशनरी, वो भी मारवाड़ी है। तो फिलहाल तो गाइस अभी हो रहा है टाइम एग्जैक्टली 9:30। तो गाइस अभी फिलहाल थोड़ा देर बाहर ही घूम रहा हूँ मैं, क्यों अंदर बैठे बैठे मैं थक गया, कोई गिरा ही नहीं आ रहा शाम से। तो फिलहाल मैंने मास्क खोल दिया क्योंकि मुझे बहुत स्वेट आ रहा था अंदर, तो इसलिए थोड़ी देर बाहर आया। वैसे मेरे आजू बाजू में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं खोला हूँ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके मैं मास्क खोल रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल बहुत साउंड आ रहा है बाहर से, फिलहाल तो मैं दुकान पर ही ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी थोड़े दिन और टाइम है, बस 2 to 3 days, उसके बाद भैया आ जाएगा, फिर घर पे एकदम साइलेंट व्लॉग बनाएंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी दीदी बाजू में गई, अब तक दीदी का काम नहीं हुआ, अभी दीदी का काम आएगा तो दीदी आके सामान रखेगी, क्योंकि रात का कोटा दीदी ही रखेगी सामान, ये तो फिक्स है। हाँ, दीदी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो फिर मैं रखता हूँ, नहीं तो नहीं। तो अभी तो फिलहाल मैं हिसाब कर लेता हूँ, फिर घर पर चलते हैं। और मंदिर में मैंने जाके आ गया, क्योंकि 9:30 बजता है ना, तो मंदिर क्लोज हो जाता है 9:00, 9:30 को क्लोज हो जाता है मंदिर। तो मैं मंदिर में जाके आ गया और ना गणपति जी को नारियल चढ़ा के भी आ गया। तो फटाफट घर पे चलते हैं। गाइस आज मैंने ना लेट कर दिया, इसलिए मेरी दीदी ने मेरे सर पे मार दिया डंडा, वो भी कैसे मारा देखो, बहुत दर्द हो रहा है गाइस, मेरी दीदी से हंसी हंसते पागल हो जा रही है। बाकी देखो ये जो डंडा है ना, मेरे सर पे मार दिया मेरी दीदी ने, यार बहुत दर्द हो रहा है। शटर को ताला दे दिया मैंने, अभी फटाफट घर पे चलते हैं। पापा का अभी तक कॉल नहीं आया, मेरे ख्याल से पापा बहुत देर से वेटिंग कर रहे हैं, तो फटाफट मुझे घर पे चलना चाहिए अभी का। तो फटाफट चलते हैं, पीछे तो लाइट आ रही है। तो दीदी ये देखिए, फटाफट गाड़ी ऑन करो, आपकी गाड़ी बहुत देर से चालू होती है, उसको रिपेयरिंग कराने का अभी फिलहाल तो ड्यूट यानी अपनी एक्टिवा को। तो पहले तो घर पे चलते हैं, नाइट ड्राइव अच्छा है नहीं और लाइटिंग भी अच्छी नहीं है और शोर भी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं। रोज़ की तरह हम वापस उधर ही आए हैं जूस लेने के लिए, इसी दुकान पे आते हैं, लॉकडाउन के बाद रोज़ इसी दुकान पे आ रहे हैं जूस लेने के लिए।
तो अभी जूस दीदी ने ऑर्डर दिया है, फटाफट जूस बनते ही फिर घर पे चलते हैं। पापा का कॉल क्यों नहीं आया, पापा को पूछते फटाफट जाके, तो चलते हैं घर पे। घर पे पहुँच चुका हूँ तो अभी पहले है ना फ्रेशअप हो जाते हैं, फिर सब चेंज करके फिर डिनर के लिए बैठते हैं। मम्मी पापा ने तो वैसे ही डिनर कर लिया है, तो आज पापा को पूछते हैं कि पापा मेरे को कॉल क्यों नहीं किया, तो एक बार पूछते हैं। मेरे को आपने कॉल ही नहीं किया, मैं लेट हुए तो भी। तुम हमेशा टाइमिंग आने का वही है आपका। मेरा टाइमिंग वही है, फिर भी आप कॉल करते हो। थोड़ा ओवर लेट हुए तो फोन करते है। हाँ नहीं तो नहीं करते है। नहीं करते हाँ वही ओवर लेट हो गया तो ही करते, नहीं तो नहीं करते। मम्मी आपने भी नहीं किया मेरे को फोन। अभी मैं करूँ या मत करूँ बात एक ही है बेटा। क्यों? क्योंकि अभी पापा कर लेते। बराबर है आपकी बात भी। मेरे मम्मी पापा ने कॉल क्यों नहीं किया तो अभी तो फटाफट फ्रेशअप हो जाते हैं, फिर डिनर करते हैं, बहुत पसीना आ रहा है। अभी तो डिनर कर चुके हैं और पापा और मम्मी तो रूम में जा चुके सोने के लिए, और दीदी फिलहाल है ना उनका जो काम करने का रहता है शाम को वो काम कर रही है। तो अपन तो फिलहाल पहले वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। अभी वीडियो एडिटिंग हो चुकी है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मैं तो जब सोने के लिए जा रहा था तो मुझे पीछे से साउंड आ रहा था, देखिए आपको इधर लाइट, इधर लाइट शेड हो रहा है ना, इधर एक गली है बहुत दूर है, उधर से कम से कम बहुत दूर है 200 to 300 मीटर इधर से दूर है वो। तो उधर है ना गणेश विसर्जन के लिए गणेश जी को लेके जा रहे हैं। तो आज मैंने देखा कि भाई इधर है ना दीवार बना चुके, देखिए ये उधर से लेके उधर तक पूरी दीवार बना चुकी, कल नहीं थी ये, और वो जो उस तरफ जो दीवार है वो कल थी, उधर कल बना दिया था वो, आज ये दीवार बना दिया।